हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी है दोपहर का टाइम और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी और साथ के साथ खाना भी बन रहा है। तो खाना खाने में तो अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन उससे पहले अभी मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी पीनी है क्योंकि थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम था और रिमझिम वाली बारिश भी अभी लगी हुई है। तो इस वजह से फिर और इनको ना पता नहीं क्यों अभी सर्दी ना बिल्कुल लगातार सर्दी बनी हुई है। कुछ भी दे दो ठीक ही नहीं होती है, पता नहीं क्या कारण है। और दवाई भी ले रहे हैं वो तो ज़रा ज़रा में दवाई ले लेते हैं, मतलब सर्दी हुई नहीं कि दवाई ले आते हैं और खा लेते हैं। तो पता नहीं क्यों सर्दी ठीक नहीं हो रही। तो मैंने सोचा यही कॉफ़ी बना देती हूँ, थोड़ा गर्म रहती है ना कॉफ़ी तो सही रहेगी। तो बस अभी हम तीनों के लिए कॉफ़ी बना रहे हैं। और थोड़ी सी कार्तिक ना चाय वाय तो पीता नहीं है, सिर्फ कभी कभार बिस्किट वगैरह डिप करके खाता है, लेकिन कॉफ़ी ऐसी है ना कि वो पीता है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं पीता है, और दे देती हूँ उसको। तो अभी बस उसको मैं मतलब अभी जाने के लिए भी बैठा है, वो जा रहा है अभी दादी के यहाँ, मतलब काम है, बुलाई थी दादी ने उसको। ठीक, आज कहाँ जा रहे हैं दादी? क्या नारियल फोड़ने बुलाई थी? क्या करोगे, नारियल फोड़ोगे? और नहीं फूटा तो अभी क्या कर रहे हैं? कॉफी पी रहे हैं। ऐसे में गिर जाएगी, देखो फिर गिर जाएगी। फिर जी कहाँ है और सारे कप बेड़ा मतलब वो कर करके रखे गंदे, लाओ वाला कप भी दो इधर दो। ठीक है, अच्छे से पूजा करके आना है दादी के यहाँ। ठीक है, ये वाला है, वो वाला इधर दे दो। ठीक है, कॉफ़ी पी लो, लाओ ये भी दे दो, ये भी दे दो डब्बा। नहीं हुई ठंडी? देखो गिराना नहीं यार करती, तुम गंदा कर देते हो। कार्तिक को कॉफ़ी पसंद है, बताओ। कार्तिक बढ़िया नहा धोकर एकदम तैयार हो गया है और अभी थोड़ी सी कॉफ़ी पी रहा है, फिर कार्तिक जाएगा दादी के यहाँ नारियल फोड़ने। अब पता नहीं मतलब किसी भी चीज़ का मम्मी कभी भी फोड़वा लेती है ना, नहीं होगा कोई सोमवार वोमवार का रखा होगा या फिर उनका मन होता है ना तो वो उनको ना बहुत अच्छा लगता है नारियल। तो कार्तिक जा रहा है, अभी गया था तो दादी नहीं है घर पे, पता नहीं कहीं गई है। का इतना ना गया हूँ, देख रहा वजन लग रहा है, वजन लग रहा। हाँ कल का एक तो रखा है, वो नहीं होगा 30, कम से कम वो 20 ही किलो होगा। डब्बा भर जाना चाहिए इतना पता है वो, बस हमारा डिब्बा भर जाएगा और नहीं भरेगा तो और दूंगी गेहूँ। का कीड़ा लगने से अच्छा है पिस जाएगा। तो मैंने इतने ना कल गेहूँ ना साफ करके रखे थे, लेकिन कल ना बारिश भी होने लगी रही तो फिर नहीं ले जा पाए, तो अभी आज भेजा रही हूँ। वैसे अभी आज का काम तो चल जाएगा क्योंकि कल रात की ना रोटी रखी हुई है तो उसी में हम लोग अभी खा लेंगे और दाल चावल बना रहे हैं, वैसे भी दाल ही चावल खाने वाले हैं। अभी कॉफ़ी पी के फ्री हुई हूँ, मतलब कॉफ़ी हो गई है। इनको है ना पता नहीं क्यों सर्दी हो जाती है, बहुत तेज़ अपने अपने आप से हो जाती है। यहाँ देखिए चावल चढ़ा दिए हैं मैंने, इसी में रख दिए बनने के लिए। ठीक है, अच्छे बन जाते हैं। इसमें भी दाल भी बॉयल हो गई है, उबल गई है। यहाँ पर मैंने दाल के लिए प्याज और ये कड़ी पत्ता काट के रखा हुआ है। जा रहे चलो, अभी आटा पिस गेहूँ ना पिस के आ जाएगा तो डब्बे में भरूंगी उसको ठंडा करके। अभी क्योंकि अभी से रख दूंगी ना तभी जाके वो एक दो घंटा ना ठंडा हो जाएगा जब आटे को भरूंगी, क्योंकि गरम गरम ना भरो ना तो वो हो जाता है खराब। और अभी देखो कितनी बढ़िया तेज वाली धूप निकल गई, इतनी तेज मतलब है ना, कल ना इतना मौसम ख़राब था बहुत ज़्यादा। कल मौसम के कारण ना ज़्यादा मैंने बाजार भी नहीं की। आज जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, पार्लर जाना था हमें, पार्लर जाएंगे।
चले, ये चले गए, कार्तिक भी चला गया। अब मैं जा रहा हूँ अंदर, मेरे को जाना है पार्लर। और रहना, मुझे ऐसा लग रहा है इतनी तेज वाली भीड़ होगी ना पार्लर में बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि त्यौहार है ना, त्यौहार के कारण ना बहुत भीड़ रहती है पार्लर में, तो इच्छा नहीं होती है मुझे जाने की। पता नहीं क्यों मुझे ना पार्लर तक जाने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है, बस ऐसे ही अपने आप में थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, लेकिन जाऊँगी, जाना तो पड़ेगा। चलो यहाँ पर कर लेती हूँ काम, ये अभी हाथ के हाथ धोकर रख दूँगी ना तो सही रहेगा, नहीं तो ना इनमें चींटी लगना स्टार्ट हो जाएगी। कल कार्तिक ना अपने पैसों से बॉर्नविटा हॉर्लिक्स भी ले आया जमा कर लिए थे ना पैसे, तो कुछ खाने की बजाय फिर मैंने बोला ये सब ले आना तो काम भी आ जाएगा, क्योंकि 2-3 दिनों से दूध नहीं पिया। पता है आप लोगों को, जब तक हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा नहीं रहता है ना तो ये दूध नहीं पीता है, कितना भी कुछ कर लो पता नहीं क्यों छिड़ता है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें डाल के दे दो ना तो पी लेता आराम से। अभी ऐप और यहाँ पर देखिए, अभी मैं दाल मैंने चढ़ा दी थी तो दाल उबल गई है, अब उसके बाद मैं इसको इसमें तड़का लगा दे रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने पिछले जब वीडियो में, मुझे ध्यान नहीं है पर याद आ जाता है कौन से वीडियो में पूछा था कि यही आपके फैमिली में इतने सारे मेंबर हैं पर कोई दिखाई नहीं देता है, देवर हैं, देवरानी हैं, सास ससुर, तो सिर्फ मैं अकेली अभी हूँ। 2 देवर हैं लेकिन अभी शादी नहीं हुई उनकी, और सास हैंगी, सास ससुर भी हैं। तो अब सास की मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, उनकी जो दिमागी हालत है ना वो थोड़ा ठीक नहीं रहती है, अब आप लोग समझ सकते हो। वो ऐसे ही हैं जब से मैं मतलब अच्छी खासी रहती हैं कि मतलब एकदम सब काम वाम कर लेती हैं वो, तो बस ये है कि उनका जो है ना कुछ दिमाग ना जो ठीक नहीं है, तो इस वजह से। और अभी मतलब इसीलिए मैं नहीं दिखाती हूँ इन लोगों को, क्योंकि देखिए क्या पता कोई कैमरे के सामने आने के लिए तैयार है या नहीं। जैसे कि मेरी फैमिली कोई तैयार नहीं रहता है ना तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करूं। हाँ, जब कोई अपने मन से, अच्छे मन से हाँ आना चाहता है ना तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो इसीलिए मैं ना ज़्यादा मतलब किसी को वो नहीं करती हूँ कि मोबाइल में मतलब वीडियो में, तो जब सब तैयार होंगे तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और अभी मैं यहाँ पर, यह है शाम की चाय, वो लगभग दोपहर का टाइम था, दोपहर बीत चुका है पूरा, और खाना पीना खा के 1-2 घंटे बस यही काम, कुछ ना कुछ काम मेरे निकलते ही रहते हैं। और अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मुझे लगा, मैंने देखा कि कहीं लहसुन तो नहीं ख़राब हो रहा है, तो अभी ना काम नहीं है ना तो यही करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ चेक करती रहती हूँ कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही, तो जो ख़राब ख़राब है वो अलग कर दे रही हूँ, बाकी मैं साफ़ करके और अच्छे से रख दे रही हूँ लहसुन को। हेलो फ्रेंड्स, और अभी देखिए मैंने यहाँ पर लहसुन जो है वो छील लिए हैं, बहुत टाइम लग गया इनको छीलने में, क्योंकि कितनी देर से छील रही हूँ मैं, 2-3 घंटे तो हो गए, तो ये छिल गए हैं। बाकी के मैंने साफ़ करके, जो बिल्कुल एकदम साफ़ हैं, ख़राब वाले मैंने निकाल निकाल के अलग कर दिए और छील के रख दिए। आटा आ गया है तो इसको अभी ठंडा होने देंगे, हो ही गया है तो इसको भी बहुत टाइम हो गया है। और घर की हालत देखिए, कार्तिक ने की है लगभग खाना, बढ़िया यहाँ तैयार होके बैठ गया है, है ना, तैयार होके बैठ गया है कार्तिक, और इन लोग मोबाइल देख रहे हैं, है ना। बाय बाय बाय, हेलो कार्तिक स्मार्ट बॉय बन गया है ना। इन लोग को पीना है कॉफ़ी, अभी दोपहर में मैंने बनाई थी ना, अब जा रही हूँ फिर से बनाने, और पूरा घर खराब है। अभी देखो इधर पे ना, कम से कम दिन भर में 50 बार तो मैं ठीक करते ही होंगी, पर कार्तिक का काम है ना, कार्तिक वो कपड़े सब ड्रेस सब यहाँ वहाँ फेंक दिए हैं। कल छुट्टी नहीं है ना,
हाँ, नहीं इसने बोला था कल छुट्टी है तो वही ना हाँ परसों तो मेरे दिमाग में आया शायद कल छुट्टी है। नहीं भैया कल छुट्टी नहीं है और यहाँ की लाइट ना ले नहीं तो और आज फिर खाना नहीं खाए हो ना तुमने तो यही खाना फिर ठीक है। देख लो अभी इन लोगों ने ना आज भी खाना नहीं खाया, पूरी दाल रखी है, चावल भी पूरे रखे हैं, ये पता नहीं क्यों इन लोगों ने खाना नहीं खाया नाश्ता। जिस दिन पोहा मैंने अक्सर देखा है जिस दिन पोहा खा लेते हैं ना उस दिन खाना नहीं खाते। अब ये पूरा अब लेफ्ट ओवर हो जाता है ना और आप लोग बोलते हो कि दी इतना सारा मत बनाया करो, लेकिन इन लोगों के पता नहीं रहता है भरोसा कि खाएंगे नहीं खाएंगे। आज जल्दी उठ गए थे, आज संडे वाला दिन था जबकि कार्तिक हमेशा लेट उठता है और आज बहुत जल्दी उठ गए थे ना। आज कार्तिक बहुत जल्दी उठ गया था, मैं बहुत लेट हो गई थी। मैं खा रही हूँ प्रसाद, कार्तिक दादी ने भेजी थी प्रसाद वही मैं खा रही हूँ। इतने सारे लहसुन पता है मैंने इसीलिए छीले हैं, मैंने बताया ना आप लोगों को पानी वाला था। इसका मैं अचार बनाने वाली हूँ पहली बार, अभी नहीं बनाऊंगी, अभी मैं धोकर और अच्छे से रख दूंगी सूखने के लिए और इसका अचार बनाऊंगी। मैंने सुना है लहसुन का भी अचार बनता है, खाओगे तुम अचार? कार्तिक को तो आम का अचार बस बहुत पसंद है। हमारा लाल है, लाल नहीं नहीं हूँ, हमारा लाल नहीं है कार्तिक, मेरा लाल पीला। लट्टू करने के लिए आ जाता है ना इसलिए करता है क्योंकि इसको मोबाइल चाहिए होता है तभी लट्टू करता है। नहीं वो तो कहाँ निकाल रहे हैं एप्पल ले लो, काट काट के रख लिए ना, चलो जाओ एप्पल लेके जाओ, चलो बना रहे और आज का संडे बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों के लिए, पूरी फैमिली के लिए। दिन भर में छोटे मोटे ऐसे काम तो रहे ही तो मैं करते जा रही थी और इन लोगों के साथ मतलब ये मस्ती भी चल रही थी कार्तिक और ये, और कार्तिक को दादी के यहाँ चला गया था तो थोड़ी देर में ही आया था वो, क्योंकि वहाँ पर फिर मतलब खेलने लगता है तो वहाँ गया था तो वो आ गया था। और आज दिन भर में हम लोगों ने दो बार तो कॉफ़ी बनाई, चाय बनाई, मतलब इस तरीके से एंजॉय किया, अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड भी मतलब मेरा खूब ज़्यादा वो कर रहे थे, पता है आप लोगों को ये तो मजाक उड़ाते ही हैं, तो बहुत लगे हुए थे कि अभी रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए भी ना मुझसे बहुत जिद कर रहे हैं कि कब करेगी कब करेगी, तो मैं सोच ही रही हूँ कब करूँगी पर अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। टाइम क्या नहीं मिल पा रहा, मैं जा नहीं पा रही हूँ, पता नहीं कि इच्छा नहीं होती बाहर जाने की। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ दोपहर का रात का खाना, तो चावल रखे हुए थे उन्हीं को मैं फ्राई कर रही हूँ, काफ़ी सारे चावल रखे हैं तो पहले मैं उसको फ्राई कर ले रही हूँ। पता नहीं क्यों ये लोग ना दिन में आजकल चावल ना बहुत कम खाते हैं और दाल भी रखी हुई है, बिल्कुल ज़रा ज़रा सा ही मतलब खाना है ना कुल मिला के खाए ही नहीं इनने तो। मैंने खाना बनाई तो दिया था लेकिन मैंने बस खाया, कार्तिक ने खाया लेकिन इनने नहीं खाया, तो खाना ना बच गया है। तो पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी ना, मतलब काम जब इतना नहीं रहता है ना, जैसे मेहनती वाला काम करो ना ऐसे बोलते हैं ये कि काम नहीं रहता तो भूख नहीं लगती है, तो कार्तिक के पापा का यही हाल रहता है। तो बस अभी देखिए कितनी सारी दाल है बच गई है और चावल भी रखा है पूरा, तो मतलब थोड़ा सा ही मैंने भी खाया था तो उसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ। ऐसे तो खाएंगे नहीं तो ऐसे फ्राई करके दे देंगे ना तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, और मेरे घर में फ्राइड इस तरह के तले हुए चावल ना बहुत अच्छे पसंद आते हैं, और मुझे तो खासकर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तले चावल। तो थोड़ा बहुत बचता भी है ना तो हम इसी तरीके से तल के मतलब नाश्ते के टाइम पे भी खा लेते हैं। तो ये देखिए चावल भी हो गया है, दाल मेरी गर्म भी हो गई है और अब मैं खाना दे दूँगी। कार्तिक तो चावल ही खा लेगा, उसको चाहिए तो आवाज़ लगा रहा था मम्मी खाना चाहिए, तो मैं इसको दे दूँगी यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर खाना खा रहा है।
और बिना मोबाइल देखे तो उसका कोई काम नहीं बनता, मतलब खाना के टाइम पे उसको मोबाइल चाहिए होता है जब भी खाना खाता है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो।